ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए रोचक जानकारी लेकर आई हूँ कौए पक्षी के बारे में। कौआ पक्षी एक ऐसे पक्षी होते हैं जिन्हें अक्सर बदसूरती से संबोधित किया जाता है, लेकिन ये पक्षी बहुत ही समझदार होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण को आसानी से अपना लेते हैं। लेकिन इनकी आवाज़ जो होती है वो हमें अच्छी नहीं लगती है, और अक्सर जो लोग अच्छे सुरताल में नहीं गा पाते हैं उनकी तुलना कौए पक्षी से की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौए पक्षी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, करीबन 40 प्रकार के कौए होते हैं और हर प्रकार के आकार अलग अलग होते हैं। रेवन एक प्रकार का कौआ होता है जो साधारण कौए से बड़ा होता है। इनकी आवाज़ भी ज़्यादा कर्कश होती है और चोंच ज़्यादा भारी होती है। कौवे दुनिया की हर कोने में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। इन्हें रहने के लिए खुली जगह पसंद है जहाँ बहुत सारे पेड़ हों। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, कौवे बहुत ही समझदार होते हैं। इन्हें उनके बढ़िया तरीके से संपर्क कर पाने के गुण के लिए जाना जाता है। रिसर्च बताता है कि कौवे अगर एक बार एक चेहरे को देख लेते हैं ना, तो उसे आसानी से नहीं भूलते हैं। ये अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं। जब एक कौवा पक्षी मर जाता है तो अन्य दूसरे कौवे उसका शोक मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। शोक मनाने के साथ साथ वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मौत का कारण क्या था। कई कौवे एक जगह से दूसरी जगह उड़ते ही रहते हैं, लेकिन अन्य केवल एक जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ये दूसरी गर्म जगह की तरफ उड़कर जाते हैं। कौवें पौधे खराब कर देते हैं, लेकिन ये अन्य मकोड़ों से भी पौधों की सुरक्षा करते हैं। मरे हुए जानवरों को और रास्ते पर पड़े कचरे को कौवें अक्सर साफ कर देते हैं। कौवे कुछ भी खा लेते हैं, वे ना तो पूरी तरह शाकाहारी होते हैं और ना ही मांसाहारी। ये अक्सर उन्हीं जगहों के आसपास रहते हैं जहां इनका जन्म होता है। यहां रहकर वे अन्य छोटे कौओं की देखभाल करते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं। एक कौआ करीबन 4 अंडे देता है। कौए लगभग 14 साल तक जीवित रहते हैं। कौए अभी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह अच्छी बात है कि इन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है। कौए अलग अलग धार्मिक बातों से और प्रथाओं से जुड़े हुए हैं। कौओं को चालू प्रवृत्ति का कहा जाता है। कई लोग कौए को एक शगुन मानते हैं, लेकिन अन्य दूसरे उन्हें एक अपशगुन मानते हैं। ये पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं। कौओं में बदले की भावना बहुत देर तक रहती है। अगर उन्हें किसी इंसान से खतरा महसूस हो तो वे दूसरे कौओं को अच्छी तरह से आगाह कर देते हैं। कई बार ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन ऐसे हमले ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। जवान कौए अपने माता पिता को छोटे कौओं की देखभाल करने में मदद करते हैं। ये पक्षी अन्य जानवरों की और इंसानों की नकल उतार सकता है। जब कौआ अपने घोंसले से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, तो थोड़े दिन के लिए वो जमीन पर ही उड़ने के गुण सीखने के लिए रहता है। कुछ कौओं के मस्तिष्क इंसानों के मस्तिष्क से ज़्यादा बड़े होते हैं। कौए अपनी साधारण आवाज़ के अलावा भी अपने एक अलग ही भाषा में बात करते हैं। ये भाषा वो अक्सर किसी अन्य कौओं को किसी भी खतरे की चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार कौए अखरोट को तोड़ने के लिए उसे बीच रास्ते में रख देते हैं। जब कोई गाड़ी के द्वारा अखरोट टूट जाता है, तो कौए जाकर अखरोट को खा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि कौए ट्रैफिक लाइट को समझ पाते हैं? किसी भी शिकारी को दूर करने के लिए बहुत सारे कौए इकट्ठे होकर शिकारी से लड़ते हैं। कौए की उपस्थिति बहुत ही पुरानी है। कौए और उल्लू एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इन पक्षियों को बिल्लियों से खतरा रहता है। इंसानों से खतरे का अलग संकेत होता है, और बिल्लियों से अगर इनको खतरा हो तो उसका अलग संकेत होता है। कौए एक वेडिंग मशीन में खाने के लिए सिक्का डालने की सीख ग्रहण करने में भी सक्षम होते हैं। ये आसानी से हार नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, कौओं से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ हैं। तो
अगर आपको आज के वीडियो में दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों।